एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इन सब के बीच एक तरफ आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है, तो वहीं किसानों के मुद्दे ने बजट सत्र का माहौल भी गर्मा दिया है। बजट सत्र के दूसरे दिन यानी कल संसद में दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ। हंगामा इस कदर हुआ कि राज्यसभा को 4 बार तो लोकसभा को 2 बार स्थगित करना पड़ गया। और बड़ी खबर यह है कि दोनों सदनों में यह हंगामा और बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान हंगामा हो सकता है। विपक्ष लगातार किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। तो आपको हम लगातार बता रहे हैं कि कैसे संसद में, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, लगातार सरकार को घेर रहा है विपक्ष। दोनों सदनों में हंगामा और बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान हंगामा हो सकता है। विपक्ष लगातार किसानों के मुद्दों पर चर्चा की मांग की बात सरकार के आगे रख रहा है। दो तस्वीरें, एक जगह हिंसा तो दूसरी जगह हंगामा, लेकिन मुद्दा सिर्फ कृषि कानून, जिसे लेकर दिल्ली ने गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा और फसाद तक न जाने क्या कुछ देखा, और अब ये मुद्दा संसद में हंगामे की वजह बन गया है। क्वेश्चन आवर इज ऑन। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक कृषि कानूनों का मुद्दा उठा। तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की जो मांग किसान 70 दिनों से उठा रहे हैं, सदन में पूरा विपक्ष उसे समर्थन दे रहा है, और इसी वजह से बजट सत्र का दूसरा दिन हंगामे से भरा रहा। किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। हंगामे की शुरुआत हुई राज्यसभा से। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। आप सेपरेट मान के बोलिए। विपक्ष के जाने से सवाल जवाब का सिलसिला शांति से चलता रहा। इस बीच अचानक पीएम मोदी सदन में बैठे दिखते हैं। पीएम की ये तस्वीर सामने आती ही है कि पीछे से विपक्ष भी वहाँ आ धमकता है और शोरगुल बढ़ जाता है, जिससे उपराष्ट्रपति नाराज हो गए। हंगामा बढ़ा तो वेंकैया नायडू की नाराजगी भी बढ़ी। हंगामे के बीच विपक्ष सिर्फ एक ही मांग करता रहा। जहां एक तरफ सर्द पूस की रातों में लोग परेशान हो रहे, संसद कम से कम चर्चा करे। यहां पर चर्चा होनी जरूरी, बाहर सड़क पे होगी। इस मांग और हंगामे के बीच राज्यसभा 4 बार स्थगित हुई और देर शाम तक कार्यवाही सही से नहीं चल सकी। माननीय अध्यक्ष जी, राज्यसभा के बाद बारी आई लोकसभा की। शाम 4 बजे सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, साफ हो गया कि हंगामा और बढ़ेगा। आज बहुत जोश में दिख रहे हो, क्या बात है, जोश में हो। पूरा विपक्ष किसानों के मुद्दे पर चर्चा चाहता था, लेकिन स्पीकर का मत कुछ और था। माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। आप सब अपनी सीट पर विराजें। जिन विषय पर आप उठा रहे हैं, उन विषय पर मैं चर्चा करने का आपको मौका दूंगा। आप सीट पर जाएं और चर्चा शुरू करें क्वेश्चन आवर के बाद। हालात इतने हंगामेदार हो गए कि शुरुआती 6 मिनट के बाद ही सदन को स्थगित करना पड़ा। सभा की कार्रवाई 5 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 45 मिनट बाद सदन फिर से उठा, तो सबसे पहले सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन बोले और सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। 170 की जो मुद्दा है सर, आज किसान के ऊपर जिस ढंग से अत्याचार हो रहे हैं, लगता है कि आप ब्रिटिश जमाने में पहुंच गए हैं। चलिए, ब्रिटिश जमाना महसूस हो रहे हैं। सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तैयार रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।